नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई मैच में। दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की इस पहले ओडीआई मैच से बहुत कुछ आगे निकल कर आया है। इस पहले ओडीआई मैच से ऐसी ऐसी चीजें हुई जो सभी को काफी ज्यादा हैरान कर गई। किसी को भी उस सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या निर्णय लें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का यह पहला ओडीआई मैच काफी जमकर शानदार होने वाला है, जिसके लिए भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम रेडी भी हो चुकी हुई है। इसमें भारतीय टीम ने इस पहले वनडे मैच के लिए अपने टीम में बहुत बड़ा बदलाव भी किया हुआ है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया। दोस्तों, आखिरकार क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक भारतीय टीम को पहला वनडे मैच जिता सकता है, तो वीडियो को लाइक करना मत ही भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को बढ़ाते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन दोनों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैचेस खेले जा रहे हैं, और अभी तक भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से अभी तक 4 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 2 टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिली तथा 1 में हार और 1 डरा हुआ। जिसके बाद भारतीय टीम ओडीआई मैचेस के लिए रेडी हो चुकी हुई है, जिसके लिए भारतीय टीम ने अपने टीम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया हुआ है। पहले वनडे मैच में बदलाव देखकर कुछ खिलाड़ी हैरान भी रह गए। किसी भी खिलाड़ी को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई मैच में रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर दिया गया हुआ है। रोहित शर्मा के जगह जो टीम इंडिया में खेलने वाले हैं वो खेलेंगे हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या ही टीम की कप्तानी भी करने वाले हैं। रोहित शर्मा के गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या को टीम की कमान संभालने का मौका मिला। ऐसे में हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के इस निर्णय से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई के इस निर्णय से कुछ खिलाड़ी हैरान भी हैं, और साथ ही कुछ खिलाड़ी बीसीसीआई के ऊपर गुस्सा भी हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात कर लिया जाए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो वो हमारे भारतीय टीम के कोच काफी शानदार बनाकर रखे हुए हैं। पहले वनडे मैचेस के लिए भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है वो काफी ढांसू है। अब जिसके बाद हार्दिक पांड्या इस चीज को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ चुके हुए हैं। पहले वनडे मैच से पहले भारतीय टीम के कुछ फैंस ऑस्ट्रेलिया से बचने के लिए भी कहे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ओडीआई मैचेस में काफी तगड़ी है, ऐसे में भारतीय टीम को वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया टीम से बचकर रहना होगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।